अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टेप्स। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे भाई एक छोटा सा खिलौना या शोपीस कैमरे के करीब रखेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा ये आपको वीडियो देखकर ही पता चलेगा। तो चलिए पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं, फिर इसकी शूटिंग और एडिटिंग को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। हाँ तो दोस्तों, आपने वीडियो देखी। चलिए अब ये जान लेते हैं कि ये वीडियो बनाने के लिए हमने क्या ट्रिक्स एंड टेक्निक्स यूज़ की हैं। सबसे पहले मैंने अपना मोबाइल ट्राइपॉड पर लगाकर रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। इस शोपीस को मैंने सामने दीवार की तरफ इस तरह रखा कि ऐसा लग रहा है कि करीब रखे हुए स्टूल पर यह रखा हुआ है। अब भाई को स्टूल पर एक खाली हाथ ला कर रखना है, जैसे कि स्टूल पे कुछ रख रहे हों। तो लिहाजा भाई ने चौक से स्टूल पे निशान लगाया, ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि यहाँ हाथ लाकर रखना है। फिर हमारी असल शूटिंग शुरू हुई, जिसमें भाई ने आकर खाली हाथ लगाए हुए निशान पर रखा, फिर सामने दीवार की तरफ गए और जो असल शोपीस रखा था उसे उठाकर कैमरे के सामने लाकर रख दिया। अब हमें इस शोपीस की पिक लेनी है और उसका हमें बैकग्राउंड रिमूव करना होगा। तो लिहाजा हमने ग्रीन स्क्रीन पे इस शोपीस की पिक ले ली, ताकि इसका बैकग्राउंड आसानी से रिमूव हो जाए। अगर मेरे पास ग्रीन कपड़ा नहीं होता तो मैं ऐसे ही इसकी पिक ले लेता और फिर उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेता और हमारा काम ऐसे भी हो जाता। दोस्तों, क्योंकि मैं कैमटेसिया स्टूडियो यूज़ करता हूं, तो लिहाजा मैं कैमटेसिया में इसे एडिट करूंगा। टिप्स एंड ट्रिक्स यही होंगी, तो लिहाजा आप किसी भी सॉफ्टवेयर या मोबाइल ऐप में इसे एडिट कर सकते हैं। मैंने ये वीडियोस रिकॉर्ड करके अपने पीसी में डाली और फिर दोनों वीडियोस को कैमटेसिया में इम्पोर्ट किया। इस वीडियो में हमें वॉइस की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा मैंने वीडियो की आवाज़ को म्यूट कर दिया। रिकॉर्डिंग के शुरू में जब मैंने शोपीस दीवार की तरफ नहीं रखा था, इस जगह का स्क्रीनशॉट ले लिया। इस स्क्रीनशॉट की अभी हमें थोड़ी देर में ज़रूरत पड़ेगी। फिर शुरू में जो फालतू पार्ट रिकॉर्ड हुआ था उसे रिमूव किया। फिर मैंने दूसरी वीडियो के ग्रीन कलर को रिमूव किया, ताकि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, और बाकी बैकग्राउंड क्रॉप कर लिया और इसको असल शोपीस के साइज का कर लिया। और इसे मैंने तीसरी लेयर में रख दिया। फिर इस पे मैंने एनिमेशन डाली और फ्रेम बाय फ्रेम भाई के हाथ के साथ एडजस्ट किया, ताकि ऐसा लगे कि भाई ने ही रखा है। लेकिन ये शोपीस रखते वक्त सामने नज़र आ रहा है, इसको छुपाने के लिए जो मैंने शुरू में स्क्रीनशॉट लिया था उसे दूसरी लेयर में इंपोर्ट किया। इस स्क्रीनशॉट को क्रॉप किया और सामने रखे हुए शोपीस को छुपा दिया, और इसकी ड्यूरेशन को भी जहां तक ज़रूरत थी हमने एडजस्ट कर लिया। फिर लास्ट में जो फालतू पार्ट रिकॉर्ड हुआ था उसे भी रिमूव कर दिया। फिर मैंने तीनों लेयर्स को एक ग्रुप बनाया और इसमें जूम इन और जूम आउट की एनिमेशन लगाई जा सकती है, लेकिन मैंने इसमें नहीं लगाई। फिर इस पे एक म्यूज़िक डाल दिया। इसके बाद जो सॉफ्टवेयर या मोबाइल ऐप आप वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसके ऑप्शन के हिसाब से इसे रेंडर कर लें। दोस्तों, मैं ऐसी या इससे भी अच्छी वीडियो एडिटिंग की ट्रिक्स आपकी खिदमत में लाता रहूँगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी टिकटॉक या स्नैक वीडियो एडिटिंग ट्रिक। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही अपने मेज़बान फुरकान को दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।